नमस्ते भाई और बहनों, आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि निधि आप ना अपने लंबे हाँ बालों के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने आज सोचा, आज एक्चुअली मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा टाइम से वीडियो बन जाएगी तो फिर बाकी भी जैसे सही टाइम से काम हो जाएंगे। तो मैं अपनी वीडियो देखी, आप मेरे लंबे बाल, आप सब मेरे से पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपके लंबे बाल कैसे हैं, आप कैसे इनका देखभाल करते हो। तो आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे मैं इन बालों की अच्छे से देखभाल करती हूँ। तो ये देखिए कि मैं बालों में कॉम्ब कर रही हूँ, कंघी कर रही हूँ। देखिए मैं कैसे कंघी करती हूँ। मैं बालों को पहले दो सेपरेशन ले लेती हूँ, ऐसे ऐसे लेके। उसके बाद मैं पहले एक साइड से बाल कॉम्ब कर लेती हूँ। ये देखिए ऐसे हो गए सब बाल। उसके बाद मैं इनको पीछे करके, उसके बाद जैसे मेरे बाकी बाल है मैं इनको भी कॉम कर लेती हूँ इस तरीके से। तो बालों को ना मैं ऐसे ना कॉम करती हूँ। आपको मैंने दिखा दिया कि मैं कैसे कंघी करती हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बालों में तेल कैसे लगाती हूँ। देखिए मैं नीचे बैठ रही हूँ ताकि आपको पता चले मेरे बालों की कितनी लंबाई है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैं नीचे बैठती हूँ। ये देखिए तो मेरे बाल, ये देखिए पीछे से, ये देखिए जमीन को भी छूते हैं, इतने लंबे बाल हैं मेरे। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी फ्रेंड्स कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरे बाल की लंबाई बढ़ी है। मैं सब कुछ आपको अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहले आप तेल देख लीजिए, ये सरसों का तेल है जो कि मैं सिर धोने से पहले बालों में लगाती हूँ। देखिए मैं बालों में तेल लगा रही हूँ। वैसे तो आप कोई भी तेल लगा लीजिए जो आपके पास हो, पर मैं भी कई बार तेल, ऐसा नहीं है कि सरसों का ही हमेशा यूज करती हूँ। कभी कभी कुछ तेल मैं बदलती भी रहती हूँ अगर मुझे लगता है तो, पर ज्यादातर जो है मैं सरसों का ही लगाती हूँ तेल। तो बालों में जैसे मैं थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे हल्की हल्की सी मालिश कर लेती हूँ मैं सिर की। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ऐसे मालिश कर लेती हूँ बालों की। ये देखिए इससे फिर क्या होता है, शैम्पू करो ना तो बाल थोड़े से टूटते नहीं है और थोड़े से बालों को खुराक मिल जाती है। कहते हैं ना कि बालों की खुराक तो तेल से ही पूरी होती है। तो देखिए बालों में इस तरीके से मैं तेल लगाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बालों में अब तेल लगा लिया है। आप भी इसी तरीके से अपने बालों की केयर करेंगे, अच्छे से इनको मालिश करेंगे तेल की, तो आपके भी बाल मेरी तरह से ही लंबे हो जाएंगे। बल्कि मेरे बाल अभी काफी टूट गए हैं काफी दिनों में। थोड़ा होता है ना कि कभी आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हो तो बाल जल्दी टूटते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे बाल, ये देखिए, ये देखिए। तो बालों की केयर इस तरीके से करती हूँ मैं, और भी मैं काफी चीजें करती हूँ जो मैं आपको बताऊंगी। मैं बालों में क्या करती हूँ, इस तरीके से बालों में मैं तेल लगाती हूँ। ठंड लग रही थी तो मैंने ये स्वेटर पहन लिया है। तो अब मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं अपने इन बालों में शैम्पू कैसे करती हूँ। तो मैं इनमें शैम्पू करके दिखाती हूँ आपको। तो शैम्पू करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, ये देखिए। और इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये देखिए पानी है, ये थोड़ा सा गर्म पानी है। और यहाँ पे मैंने इसमें कटोरी में थोड़ा सा शैम्पू ले लिया है जो कि मैं लगाऊंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, देखिए आप सब, ये जैसे मेरे बाल है मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा, देखिए मैं ऐसे रखती हूँ तो मेरे बाल जमीन को छूते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा खड़े होकर ही शैम्पू करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि आपने देख लिया है कि मेरे जो बाल हैं जमीन को छूते हैं, देखो अभी भी जमीन को छू रहे हैं। तो मैं जैसे ही झुकती हूँ ना बाल सारे मेरे जमीन को छू लेते हैं। फिर देखिए मैंने बालों को इस तरीके से गीला कर दिया है। फिर देखिए फ्रेंड्स बाल गीले हो गए हैं। अब इसके बाद ये मेरा शैम्पू है जो कि ये देखिए मैंने कटोरी में निकाल लिया था। ये देखिए थोड़ा सा शैम्पू है। ये देखिए मैंने बालों में देखिए कैसे लगा लिया। पहले मैं बालों को गीला करती हूँ, उसके बाद मैं ये देखिए फ्रेंड्स मैं शैम्पू करती हूँ। ये देखिए बालों में अच्छे से झाग भी बन गए हैं। ये देखिए एक्चुअली लंबे बालों में शैम्पू भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, पर अगर वैसे बालों की हर एक लेंथ सही होती है, बाल छोटे बड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। पर शायद मैं इस वीडियो में अच्छे से आपको पूरा बालों की लंबाई के लिए और देखरेख के ऊपर टिप्स नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं सिर भी धो रही हूँ। तो
फ्रेंड्स अब मैं ऐसे करूंगी कि मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बना लूंगी, क्योंकि कईयों के क्या होते हैं बाल भी टूटते हैं, उनके बाल टूटने की भी दिक्कत होती है। इसके अलावा लंबा किसी को बालों में की लंबाई चाहिए होती है। ये देखिए मेरे घर से ऐसे होकर दिखाती हूँ आपको अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए मेरा थोड़ा सा स्वेटर भी गीला होने लग रहा है, पर कोई बात नहीं, होने दीजिए। मैं ये बाद में कपड़े दूसरे पहन लूंगी, होने दीजिए अच्छे से, आपको दिखना चाहिए बालों की लंबाई। ये देखिए सही, ये देखिए बाल दिख रहे हैं। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स पानी गर्म है एकदम, तो कहते हैं गर्म पानी में तो सिर अच्छे से धुल जाता है। ये देखिए थोड़ा ऐसे ऐसे करके, अब जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लूँ, पता नहीं किसकी आदत है नहीं, पर मेरी बहुत बुरी आदत है। मैं क्या करती हूँ पानी को ऐसे थोड़े थोड़े सामानों को ऐसे डाल लेती हूँ, करती हूँ ऐसे। देखिए बालों को इस तरीके से धोया जाता है। मैं सिर धो लिया है, आप देख सकते हैं। पर अभी मैं आपको ना अपने बालों को, जैसे सिर धोने के बाद मेरे बाल कैसे दिखते हैं वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत टाइम लेते हैं सूखने में, क्योंकि लंबे बाल हैं आप भी समझ सकते हैं, और सर्दियों का टाइम वैसे है, और सुबह सुबह वैसे सिर धो दिया है मैंने। अगर दिन में भी धोया होता तो धूप में बैठ जाती, अब इस टाइम तो धूप भी नहीं है, अभी तो ढंग से दिन भी नहीं निकला है। मैंने सुबह सुबह आज ये शूट कर लिया सारा काम, मैंने सोचा टाइम से हो जाएगा तो मैंने ये वीडियो बनाया था। तो मैंने एक्चुअली फिर अभी बालों की जो ये मेरी है ना, मतलब बाद के बाल कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं किसी और वीडियो में दिखा दूंगी आपको, इसमें टाइम लग जाएगा। और ये देखिए मेरी गोदी में, ये पहले तो रो रहा था इसलिए मैं भाग के आई, मैं यहाँ बैठ गई, ये देखो, और अब मायूस सा होके बैठा हुआ है। देखना कितना मायूस हो रखा है। विहान बेटा नमस्ते करो, बेटा नमस्ते कर दो। देखना आप सब भाई बहनों, एक दिन ही मेरा बेटा ना नमस्ते करेगा, देखना कैमरे के सामने, देखना करेगा शायद 6 महीने साल बाद, जब इसको थोड़ी समझ आएगी। अभी तो छोटा है, बस अभी नींद में है, थोड़ा सा सोएगा। अभी इस टाइम उठ गया क्योंकि मैं उठ गई ना, वरना ये इस टाइम सोता है। अब देखना हूँ कर रहा है, देखना कैसे बात कर रहा है ये। तो मैं ये बता रही थी ना कि अपने बालों की जो केयर है कैसे करती हूँ, उसके बारे में मैं चलो थोड़ा बहुत इतने बता भी देती हूँ, एक दो बातें तो भी मैं बता ही सकती हूँ। अभी तो मैं बैठ गई आराम से। तो बालों के लिए ना देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि कई होते हैं जिनके बाल टूटते हैं, ना बाल बहुत झड़ते हैं, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप उस टाइम जब बाल आपके टूट रहे हो तो आप घर के नुस्खों में बिल्कुल मत पड़िए, उस टाइम मत पड़िए। मैं बताऊँगी कब आपको करना चाहिए, तो उस टाइम आप डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि ना मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ, कॉलेज के टाइम की बात है, मेरे बालों की लंबाई तो शुरू से ठीक रही है, अच्छी रही है, तो मेरे बाल ना ऐसे हाथ में आ जाते थे। सर्दियों का टाइम था, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से जगह बदली थी। कहते हैं ना कि पानी बदल जाता है तो बाल ज़्यादा टूटते हैं, और ये बात सच है, मैंने देखी है खुद। क्योंकि मैं जब पहले वहाँ रहती थी ना,
तो कहीं और रहती थी, तो वहां पे मेरे बाल नहीं टूटते थे। और जब मैं दूसरी जगह गई, मेरे बाल ऐसे थे ना हाथ में अपने आप आते, रोज आते। मेरे को ना इतना डिप्रेशन सा आने लग गया था उस टाइम। मेरे को लगा कि भाई मेरे, मैं तो गंजी हो जाऊंगी इस तरीके से, तो बाल तो इतने झड़ रहे हैं, मेरे तो कुछ भी नहीं रहे बाल। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं ये भी बताती हूँ मैं आपको। जब आपके बाल ज्यादा टूट रहे होते हैं, तो स्किन के डॉक्टर होते हैं ना, जिनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो बालों के भी डॉक्टर होते हैं। आप उनके पास जाओगे ना, तो मैं गई थी, तब उन्होंने पता है क्या किया, तो उनके पास एक मशीन थी बड़ी सी, ऐसे ऐसे मतलब कुछ अजीब सा, उसमें ज्यादा अच्छे से दिखता था। तो उन्होंने मेरे को कहा अपना सिर ऐसे नीचे करो, और ऐसे मेरे बालों की जड़ों को ऐसे ऐसे अच्छे से देखा था कि क्या कारण है, क्यों बाल इतने टूट रहे हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं कभी ऐसा, हम लोग बाल टूटते हैं, देखो दांत में दर्द होगा हम डॉक्टर के चले जाएंगे, लेकिन आपके बाल झड़ रहे हैं उसके लिए आप कभी डॉक्टर को नहीं दिखाते हो। पर मैं गई थी, और मेरा, मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ। उन्होंने मेरे को ना, बाल टूट रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि बालों के अंदर कुछ मतलब है कुछ, उन्होंने कोई कारण बताया कि इसलिए बाल टूट रहे हैं आपके इस टाइम, होता होगा कुछ। मुझे तो पता नहीं उन्होंने क्या बताया, एक्सप्लेनेशन तो मुझे याद नहीं, पर हाँ उन्होंने मुझे एक ना ऐसे सफेद रंग की इतनी सी दी थी। वो उन्होंने बोला कि बालों की जड़ों में ऐसे 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 करके एक 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 दो दो ड्रॉप लगाओ आप। तो वो ड्रॉप्स मैं लगाती थी बालों में। और उसके बाद ना उन्होंने मुझे खाने के लिए ना, जैसे सुबह शाम के कुछ कैप्सूल्स दिए थे उस टाइम, मुझे दिए थे, और मैंने वो 1.5 महीना खाए थे। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को 15 दिन खाने के बाद ही ना मेरे बाल, उसके बाद अगले 2 3 4 साल मुझे याद ही नहीं है कभी मेरे बाल भी टूटे हो। हो सकता है शरीर में कभी कुछ कमी हो जाती हो, जिसकी वजह से आपके एकदम से बाल ज्यादा टूटने लग जाते हो, पर मैं सच बोल रही हूँ, मेरे उसके बाद तो भाई मेरे बाल टूटते ही नहीं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या जादू मंत्र मुझे दे दिया। और फिर एक बार और फिर मेरे बाल टूटने लग गए थे 5 6 साल बाद। तो मुझे लगा मैं फिर उन्हीं डॉक्टर के पास चली जाऊं, पर उस टाइम मैं फिर गई नहीं, मैं थोड़ा आलस सा कर गई। तो मैं जैसे कुछ कैप्सूल से आते, मैं सीधा केमिस्ट के पास ही चली गई, उनको बता दिया बाल टूट रहे हैं जी, कुछ दे दो मुझे कुछ। तो उन्होंने मेरे को कुछ दे दिया था प्रोडक्ट, बट मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन जो इफेक्ट मैं सच में एक्चुअल में डॉक्टर के कैबिन में जाके बालों को दिखाया मैंने, कि मतलब बाल दिखाए, उन्होंने मेरे बाल चेक किए, और मुझे अच्छे से मतलब बहुत अच्छा, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड सबके बाल टूटते थे ना, तो मुझसे पूछते थे निधि बता देना क्या करना चाहिए। तो मैं ना मेरी फ्रेंड को भी लेके गई फिर उसी डॉक्टर के पास एक बार। अभी ये तो 2 3 साल पुरानी बात है, और सच बता रही हूँ, उसको तो ना थोड़ी पिंपल्स की भी दिक्कत थी, तो उसके बिल्कुल क्लियर हो गया था फेस, एकदम सुंदर निकल गई थी, और आज तक कभी कुछ नहीं हुआ फिर उसके बाद। कुछ हार्मोन्स का इशू था, डॉक्टर ने बताया था, वो ठीक कर दिया था डॉक्टर ने। तो उसके बारे में ही मैं बताऊंगी आपको कि ना पिंपल्स वगैरह के लिए भी क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि स्किन का जो मतलब जैसे ये जो स्किन है, इसके लिए भी कैसे क्या देखरेख करनी चाहिए। क्योंकि मेरे नहीं, मेरे पिंपल्स पहले कॉलेज टाइम में निकलते थे, और मैं सच कहता रही हूँ मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं पिंपल्स के लिए भी गई हुई हूँ डॉक्टर के पास। मतलब वहां का भी मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने मुझे क्या बताया था, क्या होता है। मुझे अच्छे से उन्होंने बैठ के 10 मिनट दिए थे पूरे, 10 मिनट डॉक्टर दे बहुत बड़ी बात होती है, सब समझाया था, मैं आपको सच्ची में सब बताऊंगी। तो मैं पता है अभी आपको बालों के बारे में सिर्फ मैंने डॉक्टरी इलाज बता दिया आपको कैसे क्या होता है, पर जो मैं करती थी, जो टोने कहते हैं उनको, टोटकी लगा लो भाई, जो बालों पे जो हम करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, जो मैंने किए, कौन से मेरे एक्सपेरिमेंट अच्छे गए, कौन से खराब गए, और उन्होंने मेरे लिए बहुत फायदा दिया। इसके लिए मैं एक और ढंग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कम से कम 10 12 मिनट चाहिए उसके लिए, अच्छे से बताने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि लड़कियों को सबसे ज्यादा टेंशन अपने बालों की रहती है। तो मैं वो दूसरी वीडियो में बनाऊंगी, मैं पक्का बनाऊंगी। चलो जी, मैं इस वीडियो को, ये देखिए, ये देखा ना, बात करते करते देखो सो गया, देखो गोदी में सो गया मेरा बच्चा। ये मोमेंट माँ के लिए सबसे प्यारा मोमेंट होता है, जब माँ की गोदी में बच्चा सो जाए, नींद आ जाए। चलो जी, मैं वीडियो एंड करती हूँ, आप अपना बहुत सारा ढेर सारा ध्यान रखिए, और मुझे प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए।